वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। शरणागत जयशंकर प्रसाद। प्रभातकालीन सूर्य की किरणें अभी पूर्व के आकाश में नहीं दिखाई पड़ती हैं। ताराओं का क्षीण प्रकाश अभी हम भर में विद्यमान है। यमुना के तट पर 2-3 रमणियां खड़ी हैं और 2 यमुना की उन्हीं क्षीण लहरियों में, जो कि चंद्र के प्रकाश से रंजित हो रही हैं, स्नान कर रही हैं। अकस्मात पवन बड़े वेग से चलने लगा। इसी समय एक सुंदरी, जो कि बहुत ही सुकुमारी थी, उन्हीं तरंगों से निमग्न हो गई। दूसरी, जो कि घबराकर निकलना चाहती थी, किसी काठ का सहारा पाकर तट की ओर खड़ी हुई अपनी सखियों में जा मिली। पर वहां सुकुमारी नहीं थी। सब रोती हुई यमुना के तट पर घूमकर उसे खोजने लगी। अंधकार हट गया। अब सूर्य भी दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में उन्हें घबराई हुई स्त्रियों को आश्वासन देती हुई एक छो नाव दिखाई दी। उन सखियों ने देखा कि वह सुकुमारी उसी नाव पर एक अंग्रेज और एक लेडी के साथ बैठी हुई है। तट पर आने पर मालूम हुआ कि सिपाही विद्रोह की गड़बड़ से भागे हुए एक संभ्रांत यूरोपियन दंपति उस नाव के आरोही हैं। उन्होंने स कुमारी को डूबते हुए बचाया है और इसे पहुंचाने के लिए वे लोग यहां तक आए हैं। सुकुमारी को देखते ही सब सखियों ने दौड़कर उसे घेर लिया और उससे लिप्त लिप्त कर रोने लगी। अंग्रेज और लेडी दोनों ने जाना चाहा, पर वे स्त्रियां कब मानने वाली थी। लेडी साहिबा को रुकना पड़ा। थोड़ी देर में यह खबर फैल जाने से उस गांव के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह भी उस स्थान पर आ गए। अब उनके अनुरोध करने से विल्फर्ड और एलिस को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि सुकुमारी किशोर सिंह की ही स्त्री थी जिसे उन लोगों ने बचाया था। तो चंदनपुर के जमींदार के घर में, जो यमुना तट पर बना हुआ है, पाई बाग के भीतर एक रवि शमे 4 कुर्सियां पड़ी हैं। एक पर किशोर सिंह और 2 कुर्सियों पर विल्फर्ड और एलिस बैठे हैं, तथा 4थी कुर्सी के सहारे सुकुमारी खड़ी है। किशोर सिंह मुस्करा रहे हैं और एलिस आश्चर्य की दृष्टि से सुकुमारी को देख रही है। विल्फर्ड उदास है और सुकुमारी मुख नीचा किए हुए है। सुकुमारी ने कंखियों से किशोर सिंह की ओर देखकर सिर झुका लिया। एलिस किशोर सिंह से, बाबू साहब, आप इन्हें बैठने की इजाजत दें। किशोर सिंह, मैं क्या मना करता हूँ। एलिस सुकुमारी को देखकर, फिर वह क्यों नहीं बैठती। किशोर सिंह, आप कहिए, शायद बैठ जाया। विल्फर्ड, हाँ, आप क्यों खड़ी हैं। बेचारी सुकुमारी लज्जा से गड़ी जाती थी। एलिस सुकुमारी की ओर देखकर, अगर आप न बैठेगी तो मुझे बहुत रंज होगा। किशोर सिंह, यूं न बैठेगी, हाथ पकड़कर बिठाएं। एलिस सचमुच उठी, पर सुकुमारी एक बार किशोर सिंह की ओर वक्र दृष्टि से देखकर हंसती हुई पास की बारहदरी में भागकर चली गई। किंतु एलिस ने पीछा न छोड़ा। वह भी वहां पहुंची और उसे पकड़ा। सुकुमारी एलिस को देख गिड़गिड़ाकर बोली, क्षमा कीजिए, हम लोग पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती और न कुर्सी पर बैठने का अभ्यास ही है। एलिस चुपचाप खड़ी रह गई। यह सोचने लगी कि क्या सचमुच पति के सामने कुर्सी पर न बैठना चाहिए। फिर उसने सोचा, यह बेचारी जानती ही नहीं कि कुर्सी पर बैठने में क्या सुख है। 3 चंदनपुर के जमींदार का यहाँ आश्रय लिए हुए यूरोपियन दंपति सब प्रकार सुख से रहने पर भी सिपाहियों का अत्याचार सुनकर शंकित रहते थे। दयालु किशोर सिंह यद्यपि उन्हें बहुत आश्वासन देते, तो भी कोमल प्रकृति की सुंदरी एलिस सदा भयभीत रहती थी। दोनों दंपति कमरे में बैठे हुए यमुना का सुंदर जल प्रवाह देख रहे हैं। विचित्रता यह है कि सिगार न मिल सकने के कारण विल्फर्ड साहब सटक के सड़ाके लगा रहे हैं। अभ्यास न होने के कारण सटक से उन्हें बड़ी अड़चन पड़ती थी। तिस पर सिपाहियों के अत्याचार का ध्यान उन्हें और भी उद्विग्न किए हुए था, क्योंकि एलिस का भय से पीला मुख उनसे देखा न जाता था। इतने में बाहर कोलाहल सुनाई पड़ा। एलिस के मुख से ओ माई गॉड, ओ माई गॉड निकल पड़ा और भय से वह मूर्छित हो गई। विल्फर्ड और किशोर सिंह ने एलिस को पलंग पर लिटाया और आप बाहर क्या है सो देखने के लिए चले। विल्फर्ड ने अपनी राइफल हाथ में ली और साथ में जान चाहा, पर किशोर सिंह ने उन्हें समझा कर बैठाला और आप खूंटी पर लटकती तलवार लेकर बाहर निकल गए। किशोर सिंह बाहर आ गए, देखा तो 5 कोस पर, जो उनका सुंदरपुर ग्राम है, उसे सिपाहियों ने लूट लिया और प्रजा दुखी होकर अपने जमींदार से अपनी दुख गाथा सुनाने आई है। किशोर सिंह ने सबको आश्वासन दिया और उनके खाने पीने का प्रबंध करने के लिए कर्मचारियों को आज्ञा देकर आप विल्फर्ड और एलिस को देखने के लिए भीतर चले आए। किशोर सिंह स्वाभाविक दयालु थे और उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और उनका उस प्रांत में भी बड़ा सम्मान था। वह बहुत बड़े इलाकेदार होने के कारण छोटे से राजा समझे जाते थे। उनका प्रेम सब पर बराबर था, किंतु विल्फर्ड और सरला एलिस को भी वह बहुत चाहने लगे, क्योंकि प्रियतमा सुकुमारी की उन लोगों ने प्राण रक्षा की थी। 4 किशोर सिंह भीतर आए।
एलिस को देखकर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह मेरी प्रजा थी। समीप के सुंदरपुर गांव में सब रहते हैं, उन्हें सिपाहियों ने लूट लिया है, उनका बंदोबस्त कर दिया गया है, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं। एलिस ने लंबी सांस लेकर आंख खोल दी और कहा, क्या वे सब गए? सुकुमारी, घबराओ मत, हम लोगों के रहते तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। विल्फर्ड, क्या सिपाही रियासतों को लूट रहे हैं? किशोर सिंह, हाँ, पर अब कोई डर नहीं है, वे लूटते हुए इधर से निकल गए। विल्फर्ड, अब हमको कुछ डर नहीं है। किशोर सिंह, आपने क्या सोचा? विल्फर्ड, अब ये सब अपने भाइयों को लूटते हैं तो शीघ्र ही अपने अत्याचार का फल पावेंगे और इनका किया कुछ न होगा। किशोर सिंह ने गंभीर होकर कहा, ठीक है। एलिस ने कहा, मैं आज आप लोगों के संग भोजन करूंगी। किशोर सिंह और सुकुमारी एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर किशोर सिंह ने कहा, बहुत अच्छा। 5 साफ दालान में 2 कंबल अलग अलग दूरी पर बिछा दिए गए हैं, एक पर किशोर सा बैठे थे और दूसरे पर विल्फर्ड और एलिस। पर एलिस की दृष्टि बार बार सुकुमारी को खोज रही थी और वह बार बार यही सोच रही थी कि किशोर सिंह के साथ सुकुमारी अभी नहीं बैठी। थोड़ी देर में भोजन आया, पर खान समा नहीं। स्वयं सुकुमारी एक थाल लिए हैं और 3-4 औरतों के हाथ में भी खाद्य और पेय वस्तुएं हैं। किशोर सिंह के इशारा करने पर सुकुमारी ने वह थाल एलिस के सामने रखा और इसी तरह विल्फर्ड और किशोर सिंह को परस दिया गया, पर किसी ने भोजन करना नहीं आरंभ किया। एलिस ने सुकुमारी से कहा, आप क्या यहाँ भी न बैठेगी? क्या यहाँ भी कुर्सी है? सुकुमारी, परसेगा कौन? एलिस खानसामा, सुकुमारी क्यों, क्या मैं नहीं हूँ? किशोर सिंह, जिद न कीजिए, यह हमारे भोजन कर लेने पर भोजन करती हैं। एलिस ने आश्चर्य और उदासी भरी एक दृष्टि सुकुमारी पर डाली। एलिस को भोजन कैसा लगा सो नहीं कहा जा सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भारत में शांति स्थापित हो गई है। अब विल्फर्ड और एलिस अपनी नील की कोठी पर वापस जाने वाले हैं। चंदनपुर में उन्हें बहुत दिन रहना पड़ा। नील कोठी वहां से दूर है। 2 घोड़े सजे सजाए खड़े हैं और किशोर सिंह के 8 सशस्त्र सिपाही उनको पहुंचान के लिए उपस्थित हैं। विल्फर्ड साहब किशोर सिंह से बातचीत करके छुट्टी पा चुके हैं। केवल एलिस अभी तक भीतर से नहीं आई, उन्हीं के आने की देर है। विल्फर्ड और किशोर सिंह पाई बाग में टहल रहे थे। इतने में 7-8 स्त्रियों का झुंड मकान से बाहर निकला। हैं, यह क्या? एलिस ने अपना गाउन नहीं पहना, उसके बदले फिरोजी रंग के रेशमी कपड़े का कामदानी लहंगा और मखमल की कंचुकी जिसके सितारे रेशमी ओढ़नी के ऊपर से चमक रहे हैं। हैं, यह क्या? स्वाभाविक अरुण अधरों में पान की लाली भी है, आंखों में काजल की रेखा भी है, चोटी भी फूलों से गूंथी जा चुकी है और मस्तक में सुंदर सा बाल अरुण का बिंदु भी तो है। देखते ही किशोर सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े और विल्फर्ड तो भौचक्के से रह गए। किशोर सिंह ने एलिस से कहा, आपके लिए भी घोड़ा तैयार है, पर सुकुमारी ने कहा, नहीं, इनके लिए पालकी मंगा दो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।